एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा के साथ रहता था। अशोक और निशा को शादी के काफी समय के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस कारण निशा बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन अशोक शाम को जब घर आता है, निशा बहुत गुस्से में होती है। अशोक निशा के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे निशा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? निशा गुस्से से अशोक की तरफ देखती है और बोलती है, क्या किसी ने कुछ कहा? आज आई थी तुम्हारी माँ, वही दिल दुखा के गई है मेरा। क्या माँ आई थी और वो चली गई क्या? उन्होंने कुछ कहा क्या तुमसे? ज्यादा दांत मत दिखाओ, तुम्हारी माँ तो जैसे बच्चों के चक्कर में पागल हो चुकी है। जहाँ देखो बच्चे बच्चे करती रहती है। निशा को गुस्से में देख अशोक निशा से कहता है, तुम बिना निशा जब देखो माँ की बात को दिल से लगा लेती हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा तो तुम्हें ठीक लगेगा। फिर अशोक के समझाने पर निशा घूमने जाने के लिए मान जाती है। अशोक और निशा अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोड के किनारे एक छोटी बच्ची दिखती है जो जोर जोर से रो रही होती है। निशा बच्ची को देखकर अशोक को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, अरे अशोक गाड़ी रोको, वो देखो कितनी प्यारी बच्ची रोड के किनारे रो रही है। अशोक निशा के कहने पर गाड़ी रोक लेता है। फिर निशा और अशोक बच्ची के पास जाते हैं। निशा बच्ची को गोद में उठा लेती है और अशोक से कहती है, अरे अशोक देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी आंखें कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मेरे पास भी इतनी प्यारी गुड़िया होती। अशोक इतनी रात में बच्चे को वहाँ देखकर सोच में पड़ जाता है और निशा से बोलता है, निशा चलो यहाँ से चलते हैं, इतनी छोटी बच्ची वो भी रात को यहाँ इस समय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं। लेकिन निशा को अशोक की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अशोक को बोलती है, तुम कितने खुदगर्ज हो, इतनी प्यारी बच्ची रोड पे अकेली पड़ी है और तुम इसे छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं इस बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर निशा की जिद के आगे अशोक मजबूर हो जाता है और फिर वो दोनों बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। फिर निशा और अशोक बच्ची को घर पर लाकर घर के अंदर चले जाते हैं। बच्ची फिर से रोना शुरू कर देती है। ओहो ये बच्ची तो रो रही है, अशोक तुम ही बताओ क्या करो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस बच्ची को मत उठाओ, पर तुम ही नहीं मानी। अब मुझे क्या पता क्या करना है, अब तुम जानो और ये जाने। फिर अशोक वहाँ से चला जाता है और निशा भी बच्चे को बिस्तर पर लेटा कर उसके लिए दूध लेने चली जाती है। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। बच्ची चुड़ैल के गोद में आकर खुश हो जाती है और खेलने लगती है। तभी निशा के वापस आने की आवाज़ आती है, उसे सुनकर चुड़ैल वहाँ छुप जाती है। निशा कमरे में आती है और बच्ची को खुश देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, दूध देखकर खुश हो गई। अरे वाह मेरी बुक्कड़ बेटी। फिर निशा बच्ची को दूध पिलाने लगती है। उसी रात निशा और अशोक सो रहे होते हैं, बच्ची उन्हीं के बीच में लेटी हुई होती है। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और बच्ची को उठा लेती है और घर के बाहर आंगन में ले जाकर टहलने लगती है। तभी निशा की आँख खुल जाती है, बच्ची को अपने पास ना पाकर अशोक को जगाते हुए बोलती है, उठो उठो अशोक, देखो गुड़िया कहाँ चली गई, मैंने तो उसे बीच में ही लेटाया था। अशोक भी उठ जाता है और निशा से बोलता है, चिंता मत करो मैं देखता हूँ, लेकिन इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा सकती है। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर चुड़ैल बच्ची को आंगन में ही छोड़कर चली जाती है और बच्ची रोने लगती है। अशोक और निशा को भी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से बच्ची के पास पहुँचते हैं। तुम बिना निशा फालतू में ही चिंता करती हो, ये रही बच्ची। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। निशा बच्ची को गोद में उठा लेती है और बोलती है, ये हंसने की बात नहीं है अशोक, ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी बच्ची भला आंगन में कैसे जा सकती है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। निशा की बात सुनकर अशोक भी चुप हो जाता है। फिर दोनों जने बच्ची को अपने पास लेटाकर सो जाते हैं। अगली सुबह निशा अशोक से बोलती है, अरे अशोक इस बच्ची को हम ले तो आए पर हमने इसका नाम तो रखा ही नहीं। सही कह रही हो तुम निशा, तुम ही बताओ इसका क्या नाम रखना है।
मैंने सोचा जो भी बच्ची हमारे यहाँ आएगी हम उसका नाम पिंकी रखेंगे। तो इतना सोच क्यों रही हो, रख लो ना नाम पिंकी, इतना अच्छा नाम तो है पिंकी, आज से हम इसे पिंकी ही बुलाएंगे। फिर अशोक काम पे चला जाता है। उधर निशा भी पिंकी को सुलाकर घर के बाहर के काम में लग जाती है। तभी अशोक की माँ रजनी आती है। मैंने सुना है तुम दोनों कोई बच्ची रोड से उठाकर लाए हो, तुम दोनों उस बच्ची को जहाँ से लाए हो वही छोड़ाओ, वो हमारे खानदान की नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आए, ना जात का पता है ना कुछ। यह बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वह रजनी से बोलती है, माँ तुम्हें जो भी बोलना है मुझसे कहो, इसमें बेचारी पिंकी का क्या दोष, इसे मैं ही लाई हूँ इस घर में और अब इसकी माँ मैं ही हूँ। निशा की बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। लेकिन मन ही मन रजनी पिंकी से चिढ़ने लग जाती है। एक दिन जब रजनी पिंकी के साथ अकेली बैठी हुई होती है, वो पिंकी को उठाकर बिस्तर पर पटक देती है और पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। दोस्त लड़की, तेरी वजह से मेरे बेटे और बहू मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मर क्यों नहीं जाती तू? पिंकी का रोना सुन निशा आ जाती है और रजनी से पूछती है, क्या हुआ माँ, ये पिंकी ऐसी क्यों रो रही है? मुझे क्या पता ये मनोज क्यों रो रही है, तेरी बेटी है तू ही जाने। रजनी की बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रजनी की ये सारी हरकत चुड़ैल देख रही होती है और वो उसे सबक सिखाने का ठान लेती है। रात को जब रजनी सो रही होती है तो चुड़ैल उसके कमरे में जाती है और उसे पैरों से पकड़कर गिरा देती है। कौन चुड़ैल? क्यों बुढ़िया, बच्चों पर बहुत हाथ उठाती है तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं आगे से नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम पिंकी के लिए मुझे क्यों मार रही हो, क्या लगती है वो तुम्हारी? चुड़ैल रजनी को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और बोलती है, वो मेरी बेटी है दुष्ट औरत, आगे से उसे छुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी, और हाँ ये बात किसी को बताई तो तेरी खैर नहीं। रजनी को छोड़कर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे राम रे, ये चुड़ैल की बेटी हमारे घर में। रजनी बहुत डर जाती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है और रजनी को ऐसे डरा हुआ देखकर निशा अशोक से कहती है, सुनो जी, माँ को देखा है आजकल बहुत डरी डरी रहती है, पता नहीं क्या हो गया, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन माँ किसी से कुछ बताती ही नहीं। हाँ कहे तो तुम सही रही हो, पर माँ किसी से क्यों डरेगी, उन्हें किसका डर, लेकिन फिर भी हमें उनके डर का पता तो लगाना ही होगा। फिर एक रात चुड़ैल पिंकी को लेकर आंगन में बैठी हुई होती है कि तभी निशा की आंख खुल जाती है और वो चुपचाप आंगन की तरफ जाती है और पिंकी को चुड़ैल के हाथों में देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं मेरी पिंकी, अशोक अशोक यहाँ आओ, देखो हमारी पिंकी को किसी ने उठा रखा है। निशा का चिल्लाना सुनकर अशोक और रजनी भी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर तीनों डर जाते हैं। अशोक निशा से बोलता है, रुक जाओ निशा, आगे आगे मत जाओ, वो चुड़ैल है, वो मार देगी तुम्हें। लेकिन निशा चुड़ैल के पास जाती है और पिंकी को उससे छीन लेती है। छोड़ चुड़ैल इस बच्ची को, ये मेरी बच्ची है, छोड़। ये देखकर चुड़ैल रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसे नफरत मत करो निशा बहन, ये मेरी भी बेटी है, मैंने भी इसे जन्म दिया है। चुड़ैल की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। निशा चुड़ैल से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब पिंकी मुझे मिली थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तुम इसकी माँ कैसे हो सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं ही इसकी माँ हूँ, जब भी मैं रोती थी तो मैं ही इसे उठाकर चुप कराती थी, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अजीब हो रहा था उसके पीछे मैं ही थी। तभी रजनी बोलती है, ये सही कह रही है निशा बेटी, इसी ने मुझे सबक सिखाया था, अगर ये ना होती तो मेरी आंखें ना खुलती। निशा बहन, पिंकी के प्यार ने ही मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से आराम से जा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे रूप में इसे एक प्यार करने वाली माँ मिल गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।